दोस्तों नमस्कार, आपको स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजे आयुर्वेदा में। दोस्तों अगर आप भी इन चीजों को मिक्स करके खाते हो तो हो जाइए सावधान। किन चीजों को वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर इन चीजों को जो मैं बताने जा रहा हूँ इनको अगर आप मिक्स करके खाओगे तो आपके शरीर पे सफेद दाग हो सकते हैं, हो जाएंगे, हो नहीं सकते हैं, आपकी मौत भी हो सकती है। तो मैं आज दो ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ जिनसे जिनको आप अलग तरह से खाओगे तो आपको नुकसान होगा बहुत बड़ा। नंबर एक क्या है? नंबर एक है मछली। मछली के साथ अगर आप दूध खाओगे, दूध के साथ मछली खाओगे, दूध पी लिया, मछली खा ली, या मछली खाने के बाद दूध पी लिया, तो आपको सफेद दाग हो जाएंगे, सफेद दाग की समस्या हो जाएगी, आपको सफेद दाग हो जाएंगे, आपको आप कोढ़ी हो जाओगे, जिसे बोलते हैं कच्चा कोढ़, कोढ़ी हो जाता है वो इंसान। ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है, जो भी दूध के साथ मछली का सेवन करेगा वो कोढ़ी हो जाएगा। दूसरी बात, जो भी शहद को गर्म करके खाएगा, शहद को गर्म करके खाने से तुरंत मृत्यु हो जाती है। अगर शहद को गर्म करके खाया जाएगा तो तुरंत मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एक और मैं बता देता हूं, शहद और घी समान मात्रा में नहीं खाने चाहिए। ये भी आपके शरीर में बहुत सारे रोग बनाने का काम करते हैं। शहद और घी समान मात्रा में नहीं खाने चाहिए, मतलब एक चम्मच शहद एक चम्मच घी आपको समान मात्रा में नहीं खाना। अगर असमान मात्रा में खाओगे तो ये एक औषधि का रूप हो गया। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि ये भाई ये तो विष हो जाता है, लेकिन असमान मात्रा, मान के चलो एक चम्मच शहद है, आधा चम्मच घी है, तो ये असमान मात्रा हो गई, ये खा सकते हो आप, आपको आपके रोगों में लड़ने में ताकत आएगी। लेकिन अगर बराबर मात्रा में खाओगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। तो ये था कुछ साधारण सा। अगर आप और भी कुछ जानते हो, जानना चाहते हो, जैसे कुल्थी के साथ क्या नहीं खाना चाहिए, कुल्थी की दाल के साथ, कटहल के साथ क्या नहीं खाना चाहिए, आम के साथ क्या नहीं चाहिए, तो मुझे कमेंट करके नीचे बताना, मैं सारी वीडियो आपको बनाकर बताऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और हाँ दूध के साथ मछली सेवन मत करना, ठीक है। नमस्कार, चलता हूँ, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार बनूंगा, घर बनूंगा। नमस्कार।